दोस्तों बिग सोचों में खुश आमदीद। बहुत ही कम ऐसा होता है कि खुशनसीबी से हमें एक ऐसा इंसान मुयस्सर आ जाता है जो उस इंसान जैसा होता है जिसका वजूद सिर्फ हमारे तखय्युलात ही में मुमकिन होता है। हमने एक ऐसा ही इंसान खो दिया है। इन शानदार अल्फाज में मशहूर अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने 7 दिसंबर 1958 के एडिशन में पाकिस्तान के इंतहाई लायक और आला दिमाग सिफारतकार, ब्रॉडकास्टर और अदीब अहमद शाप उर्फ पितरस बुखारी को खिराज तहसीन पेश किया। दोस्तों आज हम उस अजीम अदीब और अंग्रेज़ी अदब के माहिर उस्ताद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसकी अंग्रेज़ी ज़ुबान पर महारत और अबूर की गवाही खुद अंग्रेज़ दिया करते थे और जिसने दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी यूनाइटेड नेशंस में मंतक, दलील और जादुई अल्फाज के ज़रिए ऐसे कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए कि दुनिया आज उसकी वफात के 6 दहाइयों बाद भी उसकी मोतरिफ है। पितरस बुखारी 1898 में पिशावर के एक मोहल्ला जहांगीरपुरा में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद असदुल्ला शाह पिशावर में एक वकील के मुंशी थे। सैयद असदुल्ला शाह के पितरस बुखारी के अलावा 3 मजीद बेटे थे जिनमें एक सैयद जुल्फकार अली बुखारी भी थे। इन्हें दुनिया जेड ए बुखारी के नाम से जानती है जो कि रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल थे। पितरस बुखारी ने कुरान पाक और फारसी की इब्तदाई तालीम घर ही में हासिल की। इसके बाद उनके वालिद ने आने वाले दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अंग्रेजी तालीम दिलवाने के लिए मिशन स्कूल पिशावर में दाखिल करवा दिया। पितरस बुखारी अंग्रेजी में बहुत अच्छे साबित हुए। उनके मुतल्लिक उनके छोटे भाई सैयद जुल्फकार अली बुखारी ने एक वाक्या बयान किया है कि एक बार पितरस ने स्कूल के सालाना जलसे में अंग्रेजी नज्म सुनाई तो सूबे के चीफ कमिश्नर सर जॉर्ज रॉस कैपल ने कहा कि ऐ काश मेरी पश्तो भी इतनी ही अच्छी होती जितनी पीर अहमद शाह की इंग्लिश है। 1913 में मैट्रिक करने के बाद वो अजीमुशान इल्म के गहवारे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आ गए। बीए करने के बाद उन्होंने एमएससी फिजिक्स में दाखिला ले लिया लेकिन जल्द ही वो इससे बोर हो गए और फिर अपने पसंदीदा मजमून एमए इंग्लिश में दाखिला ले लिया। गवर्नमेंट कॉलेज की अदब नवाज और इल्म परवर फिजा में पिशावर से आया हुआ ये शर्मीला नौजवान जल्द ही एक बासलाहियत अदीब में ढल गया। चुनाचे कॉलेज इंतजामिया ने इनके लियाकत का खुले दिल से एतराफ़ करते हुए इन्हें 1919 में अपने मैगजीन रावी का एडिटर मुदीर बना दिया। पितरस बुखारी ने 1922 में अंग्रेज़ी अदब में अव्वल आकर तमगा हासिल किया और गवर्नमेंट कॉलेज में ही लेक्चरार के तौर पर मुलाजमत का आगाज़ किया। 1925 में पितरस बुखारी अंग्रेज़ी में आला तालीम के हसूल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया के एमानुएल कॉलेज चले गए। यहाँ उन्हें आला पाए के अंग्रेज़ी उस्ताद मिले। इन उसाद्जा की पितरस के मुतल्लिक राय थी कि पितरस का इल्म इस कदर वसी व अरीज़ है कि एक अंग्रेज़ के लिए भी अंग्रेज़ी अदब का इतना इल्म रखना नामुमकिन है। पितरस ने अंग्रेज़ी अदब में अव्वल पोजिशन हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस आने के कुछ अरसे बाद उनका तकर्रुर गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरार के तौर पर दोबारा हो गया जहां वो 1935 तक अपनी खिदमात सरंजाम देते रहे। दोस्तों इसके अलावा 1932 में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में तर्जुमा करने के लिए जो कमेटी बनाई पितरस बुखारी इस कमेटी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रहे। पितरस बुखारी का शुमार मुतहदा हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात के बानियों में होता है। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो का महकमा कायम हुआ तो पितरस बुखारी ने वहाँ मुख्तलिफ ओहदों पर कायम किया और फिर 1941 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। यहाँ वो 1947 तक रहे। मार्च 1947 में पितरस को एक बार फिर वक्त तारीखी जामिया यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ले आया जहाँ उन्हें प्रिंसिपल का ओहदा पेश किया गया। ये ओहदा उन्होंने खुशी खुशी कबूल कर लिया।
दोस्तों पतरस बुखारी अंग्रेज़ी में यदे तूला तो रखते ही थे, साथ साथ उनको उर्दू अदब में भी बहुत ऊंचा मुकाम हासिल था। उनके शागिर्दे अजीज़ कैंपस का एक वाक्या बयान करते हैं कि एक बार यूनिवर्सिटी में तालबे इल्मों के दरमियान बैतबाजी का मुकाबला हुआ। मुकाबले के इख्तिताम पर फैज़ अहमद फैज़ ने पतरस बुखारी से कहा कि अब उसादजा के दरमियान मुकाबला होना चाहिए, लेकिन इस मुकाबले में पतरस एक तरफ रहें और बाकी सारे उसादजा एक तरफ। इस मुकाबले में पतरस बुखारी सिर्फ आधे घंटे में उन लोगों को खामोश करवा चुके थे। दोस्तों ये वो दौर था जब तकसीम हिंद की तहरीक अपने जौबन पर थी। हुकूमत हिंद के असासाजात की तकसीम भी हो चुकी थी। चौधरी मोहम्मद अली जो इस तकसीम के निगरान थे, उन्होंने पतरस को रेडियो और इतलात के असासों की तकसीम की ज़ेली कमेटियों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। क़ियाम पाकिस्तान के बाद हुकूमत पाकिस्तान पतरस बुखारी के रेडियो नशरियात के तजुर्बे का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहती थी, इसलिए अक्टूबर 1947 को रेडियो फ्रीक्वेंसी की पहली तकसीमी कॉन्फ्रेंस में उन्हें रेडियो पाकिस्तान के वफ्द का सरबराह बनाकर भेजा गया। ये कॉन्फ्रेंस मेक्सिको सिटी में मुनक्किद हुई थी और अप्रैल 1948 तक जारी रही। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के वालिद ए अज़ीज़ इंजीनियर भी शरीक हुए थे। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पतरस बुखारी की ज़ुबानदानी, मुदल्लल दलाइल और जहानत की शोहरत सारी दुनिया में फैल गई। कुछ ही अरसे में पतरस की शोहरत और लियाकत से कायल होकर पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान पतरस बुखारी को अमेरिका और कैनेडा के दौरों में अपने मुआवन और स्पीच राइटर के तौर पर साथ ले गए। ये तकारीर पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया के उन्वान से किताबी शक्ल में भी शाया हो चुकी हैं। इन कामयाब दौरों के बाद पतरस बुखारी को वजारत खारजा ने अगस्त 1949 को यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का नुमाइंदा बनाकर भेज दिया। इस अरसे में पतरस ने कई कारनामे सरंजाम दिए। पतरस बुखारी ने सफारतकारी में अपनी खुदादाद सलाहितों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा की मीटिंग्स में ज़बरदस्त तकरीरें की। इनकी तकारीर की खूबियों का जिक्र करते हुए एक कैनेडा के अखबार ने लिखा कि इनकी स्पीच, इनकी तकरीर तमाम सियासतदानों के लिए एक सबक की हैसियत रखती है कि तकरीर में किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। अंग्रेज़ी सीखनी है तो पतरस बुखारी से सीखिए। इनकी सबसे अहम तकरीर अप्रैल 1952 में ट्यूनिस की आज़ादी के मसले पर थी। इस हवाले से एक दिलचस्प वाक़या ये भी बयान किया जाता है कि ट्यूनिस के मसले पर कुल 11 मुकर्ररीन थे। इनमें एक बरतानवी शोहरत याफ्ता सिफारतकार सर ग्लैडन जेब भी थे। इनको अंग्रेज़ी ज़ुबान का बहुत बड़ा माहिर माना जाता था। पतरस बुखारी की इनसे बाकायदा बहस होने लगी। काफ़ी देर ये बहस चलती रही, लेकिन पतरस बुखारी ने इनको आखिरकार हार मानने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सर ग्लैडन जेब अपनी कुर्सी से उठे और कहा, सर आई सरेंडर, यू आर डिप्लोमेट्स डिप्लोमेट। इस वाक़े पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये हेडलाइन लगाई, सर ग्लैडन जेब ऑफ द यूनाइटेड किंगडम नेम्स प्रोफेसर ए एस बुखारी ऑफ पाकिस्तान अ डिप्लोमेट्स डिप्लोमेट, यानी सिफारतकारों का सिफारतकार। इसके अलावा उनके कुछ और अहम कारनामों का जिक्र किया जाए तो उन्होंने 1953 में अक़वामे मुत्तहिदा में नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ अपना किरदार अदा किया। दरियाए उर्दन और फ़लस्तीन के मसले पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दलाइल के साथ पेश किया। 1945 में न्यूयॉर्क टाइम्स के यूथ फोरम पर खिताब भी इन्होंने किया। दोस्तों इन तकारीर की बदौलत दुनिया भर के नुमाइंदों पर इनके इल्म और ज़ुबानदानी की धाक बैठ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर, न्यूयॉर्क डेली और शिकागो ट्रिब्यून जैसे जरीदों और अखबारात ने इनका शुमार यूनाइटेड नेशन के बेहतरीन मुकर्ररीन में किया। अक़वामे मुत्तहिदा में इनकी तकरीरों की मकबूलियत का ये आलम था कि इनकी तकरीर के वक्त गैलरियाँ सहाफ़ियों और यूनाइटेड नेशंस के कारकुनों से भर जाती थीं। इनकी इन्हीं सलाहितों का यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने अमली एतराफ़ यूँ किया कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद इन्हें यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी इंचार्ज पब्लिक इंफॉर्मेशन के ओहदे पर तैनात कर दिया। अमेरिका में क़याम के दौरान इनके अमरीकी अदीबों और शायरों से करीबी रवाबत रहे। यहाँ इनके जहन में ये धुन समाई रही कि अमरीकी अदब को उर्दू में मुंतकिल किया जाए, लेकिन उनके ये सब मंसूबे धरे के धरे रह गए।
यूनाइटेड नेशंस की मुलाजमत के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो 5 दिसंबर 1958 की सुबह हरकते कलब बंद हो जाने से वफात पा गए। उनकी वफात पर दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात ने ट्रिब्यूट पेश किए और उनकी खिदमात को सराहा। उन्हें वहीं न्यूयॉर्क के ही एक कब्रिस्तान में एजाज के साथ दफन कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप उर्दू अदब से वाकफियत रखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पितरस बुखारी का मजमून कुत्ते मरहूम की याद में हॉस्टल में पढ़ना या सवेरे जो कल आँख मेरी खुली ना पढ़ा हो। अगर पितरस बुखारी की अदबी खिदमात की बात की जाए तो पितरस बुखारी दुनिया अदब के अजीम मज़ाहर निगार मुसन्निफ शायर मुअल्लिम सिफारतकार और बुलंद पाया खतीब माने जाते थे। पितरस तखल्लुस रखने के पीछे जो वजह उनके भाई सैयद जुल्फकार बुखारी बयान करते हैं वो ये है कि उनके एक उस्ताद पीटर वॉटकिंस थे। उन्हीं की वजह से शुरू में वो अपने नाम के साथ पितरस नहीं पीटर लिखा करते थे, लेकिन फिर इस नाम को उन्होंने पितरस कर लिया और आइंदा यही नाम इस्तेमाल किया। दोस्तों, पितरस बुखारी ने बहुत कम लिखा, लेकिन जितना भी लिखा तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बाद आज तक हिंदो पाक में उन जैसा किसी ने नहीं लिखा। उनके मजाहिया मजामीन की किताब पितरस के मजामीन 1927 में शाया हुई और दोस्तों ये वाहिद किताब है जो पितरस की ज़िंदगी में शाया हुई। इस किताब के मजामीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में स्कूल्स से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक उर्दू निसाब का हिस्सा है। इसके अलावा अब तक इनकी जो तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं उनमें पितरस के खतूत अफसाने ड्रामे नावलेट खुतबात पितरस तनकीदी मजामीन और तख्लीकात पितरस शामिल हैं। अंग्रेज़ी पर अबूर होने की वजह से बहुत सी किताबों के अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमे भी उन्होंने किए। दोस्तों, पितरस बुखारी ने महज तफरी के लिए कभी कभी शेर भी कहे हैं। इसमें नज़में और गज़लें दोनों शामिल हैं। बच्चों के लिए भी मुख्तसर और ख़ूबसूरत सी नज़म नकूश के पितरस नंबर में शामिल है। एक उस्ताद की हैसियत से पितरस बुखारी ने काफ़ी सालों तक खिदमात अंजाम दी और कई होनहार शागिर्द दुनिया के रूबरू पेश किए, जिनमें फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, कन्हैया लाल कपूर, बलराज साहनी, हनीफ रामे, ज़िया मुहीउद्दीन और हफीज़ होशियारपुरी जैसी अजीम हस्तियां बतौर ख़ास शामिल हैं। आशिक बटालवी लिखते हैं कि अगर पितरस बुखारी कुछ अरसा मज़ीद गवर्नमेंट कॉलेज में रह जाते तो फैज़ और नून मीम राशिद जैसे चंद और शागिर्द पैदा कर जाते। दोस्तों, पितरस बुखारी को मिलने वाले एजाजात की बात की जाए तो 1945 में बरतानवी सरकार ने उन्हें कैंपेनियन ऑफ द इंडियन अम्पायर के एजाज से नवाजा। इसके अलावा मशहूर अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड और डिप्लोमेट्स डिप्लोमेट के खिताबात भी अता किए। एमानुएल कॉलेज आज तक पितरस बुखारी के एजाज में टॉप करने वाले तालबे इल्मों को द बुखारी इंग्लिश प्राइज से नवाजता है। 2003 में हुकूमत पाकिस्तान ने पितरस बुखारी की अदबी व सकाफती तालीमी और सिफारती खिदमात के सिले में इन्हें हिलाल इम्तियाज़ के एजाज से नवाजा। हुकूमत ट्यूनिस ने अपने मुल्क की एक सड़क का नाम पितरस के नाम से मंसूब कर रखा है, क्योंकि पितरस बुखारी ने 1956 में यूनाइटेड नेशन में ट्यूनिस की आज़ादी की हमायत में शानदार खिदमात सर अंजाम दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान पोस्ट ने 1 अक्टूबर 1998 में पितरस बुखारी की अदबी तालीमी सकाफती और सफारती खिदमात के सिले में उनके 100 साल जश्न पैदाइश के मौका पर 5 रुपये का यादगारी डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी एक सड़क उनके नाम से मंसूब है। इसके अलावा पितरस बुखारी की मादरे इल्मी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने अपने होनहार स्टूडेंट बेहतरीन लेक्चरार और शानदार प्रिंसिपल के नाम 1964 में एक ऑडिटोरियम मंसूब कर दिया। तो दोस्तों, सिफारतकारों के सिफारतकार, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल और उर्दू ज़ुबान के बेहतरीन मज़ाह निगार, पितरस के मुतल्लिक हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। Oh, 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 oh